पुंडरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के बागी उम्मीदवार रणधीर गोलान ने शुक्रवार को कैथल के एडीसी राहुल हुड्डा के पास अपने नामांकन पत्र जमा करवाए। रणधीर गोलान पिछले 30 सालों से भाजपा से जुड़े हुए थे। पुंडरी से भाजपा की ओर से 3 चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस बार टिकट न मिलने पर रणधीर गोलान आजाद उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे हैं। आजाद उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद रणधीर गोलान के विचार आइए सुनते हैं। सर्व जातीय 36 बरादरी के आजाद उम्मीदवार के तौर पर आवेदन किया। तीन बार चुनाव लड़ने, बीजेपी चुनाव लड़ने के बाद अब प्रत्याशी, आजाद प्रत्याशी के रूप में कैसा महसूस हो रहा? अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बीजेपी से भी अच्छा महसूस हो रहा है, जनता साथ है। 36 बरादरी की जनता इस बार फिर पुंडरी से आजाद विधायक बनाकर इतिहास रचने जा रही है। समर्थन भरपूर है, जीत निश्चित है। पुंडरी हलके की 36 बरादरी की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार पुंडरी हलके की जनता रणधीर गोलन को विधायक बनाकर इधर। बीजेपी पुंडरी हलके में खत्म हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। पुंडरी हलके में बीजेपी रणधीर गोलन थी, वो खत्म हो चुकी है। रणधीर गोलन एक ऐसा व्यक्ति है जो 30 वर्षों से बीजेपी की राजनीति कर रहा था, एक ईमानदार, मेरे ऊपर आज तक एक रुपए का कोई आरोप नहीं लगा सकता। मैंने आज तक जीवन के इतिहास में किसी से रिश्वत के तौर पर एक कप चाय का नहीं पिया, और मेरी कार्यशैली देखकर लोगों ने फैसला किया कि इसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया है, और अन्याय के खिलाफ पुंडरी विधानसभा के लोग हमेशा लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका देंगे। ये निर्णय पुंडरी की जनता बरादरी कर ली। मेरा मुद्दा तो सबसे पहले तो शिक्षा का बढ़ावा हो, सब सत्य सेवें बढ़िया हो, पानी के पीने की व्यवस्था हो, सुशासन हो, किसी भी प्रकार की सुरक्षा की दृष्टि से किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और मेरा हलका विकास करे, ऐसी मेरी सोच है। बीजेपी 35 पार भी नहीं जाएगी, हालात ऐसे। अरे यार, 56 इंच का सीना तो मोदी जी का है, हरियाणा की बीजेपी का तो 34 इंच का भी सीना नहीं रहा। भाजपा कब था? वो तो स्वार्थ के टिकट के चक्कर में एक महीना पहले भाजपा में यही 5 जुलाई को शामिल हुआ था। वो भाजपा कैसे कहते हैं? 20 साल से इंडिपेंडेंट की राजनीति कर रहे हैं, बीच में कांग्रेस का था। ये तो रणधीर गोलन है जो 30 साल से बीजेपी की राजनीति करता था, और अपने अच्छे टाइम में बुरे टाइम में कभी रणधीर गोलन ने अपनी निष्ठा नहीं बदली। अब भी मैंने बीजेपी नहीं छोड़ी, बीजेपी ने मेरे को छोड़ा है। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि बीजेपी ने मेरे को छोड़ा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। पुंडरी विधानसभा क्षेत्र की राजनीति के बारे में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।